हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। हम आपको हर रोज 10 या 5 क्वेश्चन का, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो रोज पढ़ा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं बच्चों आप हमारे सभी वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखते होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम आपको जो ये 5 या 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ करवा रहे हैं बच्चों, ये आपकी 29 अप्रैल की नवोदय विद्यालय, जब आप 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें मैथ के जो 20 प्रश्न आते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप हमारे सभी वीडियो को लगातार देख रहे होंगे और आपको उसमें जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आपको एक सूचना हर वीडियो में अपने देती हूँ कि हमारी टीम ने 8 मॉडल पेपर मिलकर बनाया है। कितने मॉडल पेपर बनाए हैं बच्चों? 8 मॉडल पेपर बनाया गया है हमारी टीम द्वारा। कितने मॉडल पेपर बनाए गए हैं? 8, जिनका मूल्य बच्चों मात्र 399 रुपये है। कितना है बच्चों? मात्र 399 रुपये है। इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हम अपना आपको नंबर दे रहे हैं। तो ये बच्चों हमारा नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए, 6393805613। आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ये मॉडल पेपर्स परचेज करना चाहते हैं। तो आप हमारे मॉडल पेपर्स को परचेज करिए और देखिए कि मैं कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या की डिफिनेशन बता देती हूँ। अभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से कटे तथा एक से कटे व अन्य किसी से ना कटे। ये आपकी बच्चों अभाज्य संख्या की डेफिनेशन है। मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ बच्चों कि आप जब भी हमारा वीडियो देखने के लिए बैठा करें, एक पेन और कॉपी अपने साथ लेकर बैठा करें। हम आपको अपने वीडियो में फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें बताते हैं बच्चों। तो आपको जो भी नोट करने लायक लगा करे उसे नोट कर लिया करिए और मैं आपको खुद ही बताती हूँ कि आपको क्या नोट करना है क्या नहीं नोट करना है। तो आप इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। तो मैंने आपको अभाज्य संख्या की डिफिनेशन बता दी कि वह संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे, किसी अन्य से ना कटे। अगर 93 की बात करें तो ये देखिए एक से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, और किसी अन्य की बात करें तो ये किससे कट जाएगा बच्चों? 3 से भी कट जाएगा। तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। इस ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ये 97 है। अगर देखें ये खुद से कट जाएगा, एक से कट जाएगा, और किसी अन्य की बात करें तो ये किसी अन्य से नहीं कटेगा। तो आप तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये आपका 13 से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, एक से कट जाएगा, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी कट जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब आप परीक्षा देने जाएंगे 29 अप्रैल को तो जब आपका जो भी ऑप्शन सही होगा उसका आपको अपनी OMR सीट में उसको क्या करना रहेगा? ब्लैक करना रहेगा। तो वहाँ पे आपको टिक नहीं लगाना है, वहाँ पे क्या करना है? आपको ब्लैक करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दी, लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए यहाँ पे हमें क्रय मूल्य कितना दिया गया है बच्चों? 1200 रुपये। कितना दिया गया है? 1200 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है बच्चों? 1500 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि मैथ की भाषा में हम खरीदना को क्रय मूल्य कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बच्चों? कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। और बेचना को विक्रय मूल्य कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहा जाता है। तो देखिए खरीदना कितना दिया था हमें? 1200, और कितने का बेच रहा है? 1500। तो हम ये निकाल लेते हैं कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए प्रॉफिट इक्वल फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस आपका 1500 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 1200, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका प्रॉफिट 300 रुपये। कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको? 300 रुपये का। हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपान क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखिए प्रॉफिट आपका कितना है बच्चों? 300 और क्रय मूल्य कितना है 1200 गुणे 100। तो देखिए 100 से 100 कट गया, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे इसको कितना आ गया 25। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया बच्चों? 25%। कितना आ गया? 25%। तो आइए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 30%, सेकंड ऑप्शन है 20%, थर्ड ऑप्शन है 25% और फोर्थ ऑप्शन है 28%। तो आपका आंसर कितना आया है बच्चों? 25%। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमने आपको दो फॉर्मूले बताए, आपका ये रहा पहला फॉर्मूला और ये रहा दूसरा फॉर्मूला। आप सभी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को नोट करते हुए चला करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को नोट करते होंगे। जब आप सभी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को एक जगह नोट करके रखे रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ बच्चों कि फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों ही नोट करके चला करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5.5, 5.05, 5.005 तथा 55.555 का क्या बताइए बच्चों? योग बताइए। तो देखिए इसको योग करने का फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला नहीं तरीका बताती हूँ, दशमलव का जोड़। इसको सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं 5.005, फिर किसको लिखते हैं? इसको 5.05, फिर इसको लिखते हैं 5.5। तो देखिए जहाँ पे नहीं है अंक वहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? जीरो। तो अपने से क्या मान लीजिए? जीरो मान लीजिए। तो देखिए ये कितना आ जाएगा आपका? 5। कितना आ जाएगा बच्चों? 5। ये कितना हो जाएगा? 10। 5 5 10 1 11। हासिल कितना बच गया आपका? 1। 5 5 10 10 1 11 आपका कितना बच गया? 1 बच गया। अब देखिए ये कितना हो गया आपका? 20। 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21। और 21 में सॉरी 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा बच्चों? 7। तो आपका ऐड करने पर कितना आ गया? 71.1105। कितना आया बच्चों? 71.1105। तो देखिए आपके चार ऑप्शन सामने हैं, 71.150। तो मिलाते हैं आपका आंसर ये नहीं आया है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो 71.11, ये भी आपका आंसर नहीं आया। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें 71 है ही नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अपने वीडियोस में आपको हर तरह के और हर चैप्टर के क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1800 के 4% का दशमलव समतुल्य है। 1800 के 4% का दशमलव तुल्य है बच्चों। सॉरी बच्चों क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मिस हो गया था, तो क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। कह रहा है कि 1800 के 4% का 15% दशमलव समतुल्य क्या है? तो देखिए 1800 के 4% का 15% दशमलव तुल्य क्या है? तो देखिए का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 1800 गुणे 4 बटे क्या हो जाएगा बच्चों? 100 का मतलब गुणा, तो क्या हो जाएगा? 15 बटे 100। तो देखिए 100 से 100 कट गया, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 चौके 72 गुणे 15 बटे 100। जब आप 72 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 1080। कितना आ जाएगा बच्चों? 1080 बटे 100। जब दशमलव लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 10.80। कितना आ जाएगा बच्चों? 10.80। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 10.80, सेकंड ऑप्शन है 108.0, थर्ड ऑप्शन है 1.08 और फोर्थ ऑप्शन है 10.80। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। आप हमारे सभी वीडियोस को मैं उम्मीद करती हूँ देख रहे होंगे। जब आप 29 अप्रैल का परीक्षा देने जाएंगे बच्चों, ये परीक्षा की आपकी डेट है। मैं अपने हर वीडियो में आपको अपने आपके परीक्षा की डेट ज़रूर बताती हूँ ताकि आपको पता रहे कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी एक गाड़ी एक खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में पार करेगी। क्वेश्चन है आपका, 200 मीटर लंबी एक गाड़ी एक खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में पार करेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको दूरी दी गई है, दूरी कितना दिया गया है बच्चों 200 मीटर, और चाल कितना दिया गया है आपको, चाल दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया गया है बच्चों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो देखिए हमसे समय पूछा है, वो भी किसमें पूछा है, सेकंड में, लेकिन ये हमारा मीटर में, और ये किसमें, किलोमीटर में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, समय निकाल लेते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है बच्चों, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो देखिए जो मीटर में, इसको हम किसमें चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर में। किसमें चेंज कर लेते हैं बच्चों, इसको मीटर में ही रहने देते हैं, इसको हम किसमें चेंज कर लेते हैं बच्चों, किलोमीटर में, किसमें, सॉरी मीटर में। किसमें चेंज कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए दूरी बराबर 200 बटे 60 गुणे 1000 बटे 3600। तो ये आपका किसमें चेंज हो गया बच्चों, जो ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में था, किसमें चेंज हो गया, मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका समय बराबर आ जाएगा। तो देखिए इसको इसको काट देते हैं, कट गया 6 × 6 = 36, तो आपका बच गया 200 बटे 100 बटे 6। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, समय बराबर आपका आ जाएगा 200 × 6/100। क्या आ जाएगा, 200 × 6/100। तो आपका समय कितना आ गया बच्चों, 12 सेकंड। कितना आ गया, 12 सेकंड। तो देखिए यहाँ पे हमने जो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको जो मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया है, देखिए क्या होता है, एक मीटर में, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों, 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो देखिए हमने 60 में 1000 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद 3600 से भाग क्यों किया गया, क्योंकि ये घंटे में था और एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, 3600 से भाग किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, आपका फर्स्ट ऑप्शन है 5 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 6 सेकेंड, और थर्ड ऑप्शन है 12 सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन है 20 सेकेंड। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं 1 से 20 तक, प्राकृतिक संख्याओं 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत क्या है। तो देखिए अभी मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही अभाज्य संख्या के डेफिनेशन बताई थी, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 1 से 20 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बच्चों, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं, तो पहली तो 2, 4, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये आपकी 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए इनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना है बच्चों, 7 है। फिर से एक बार काउंट करते हैं, कितना है, 3, 3, 6, यानी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है बच्चों, 8। हमसे प्रतिशत पूछा है, तो देखिए प्रतिशत बराबर कितनी संख्याएं हैं, 8, और कितने में से निकालना हमें, 20 में से, तो 8 बटे 20 × 100, तो देखिए 2 × 4, तो आपका परसेंटेज कितना आ गया बच्चों, 40%। कितना आ गया बच्चों, 40%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका है 24%, सेकेंड ऑप्शन है 25%, थर्ड ऑप्शन है 36% और फोर्थ ऑप्शन है 40%। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पैसे को रुपए में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन है आपका कि 5 पैसे को रुपए में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। हम जानते हैं 1 रुपए में कितना पैसा होता है बच्चों, 1 रुपए में आपका कितना पैसा होता है, 100 पैसा। कितना होता है बच्चों, 100 पैसा होता है। तो बोल रहा है कि 5 पैसे को रुपए में लिखिए, क्या करिए, 5 पैसे को रुपए में लिखिए। तो देखिए 5 पैसा बराबर, जब देखिए 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 5 पैसे में कितने रुपए होंगे, 5 बटे 100 रुपए। कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 बटे 100 रुपए। जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.05 रुपए। कितना आ जाएगा बच्चों, 0.05 रुपए। मैं आपको ये डेसिमल लगाने का तरीका एक बार समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे से हम ऐड काउंट करेंगे, एक
एक ही अंक था तो एक जीरो अपने से बढ़ाएंगे, फिर क्या लगा देंगे हम, डेसिमल लगा देंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है 0.55 रुपए, सेकेंड ऑप्शन है 0.05 रुपए, थर्ड ऑप्शन है 0.05 रुपए और फोर्थ ऑप्शन है 0.005 रुपए। तो आपका बच्चों देखिए यहाँ पे बी और सी वाला ऑप्शन सेम हो गया है बाय मिस्टेक, तो आपका आप कोई भी आंसर चुन लीजिए, लेकिन आपकी परीक्षा में ऐसा नहीं होगा तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 500 ग्राम, क्वेश्चन है 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो देखिए हम जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम कितना होता है बच्चों, 1000 ग्राम होता है। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे बच्चों, 4000 ग्राम कितने होंगे, 4000 ग्राम होंगे। अब हमसे प्रतिशत पूछा है तो देखिए प्रतिशत बराबर जिसका पूछा है उसको ऊपर रखे हैं, जिसमें से पूछेगा उसको नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा है बच्चों, प्रतिशत पूछा है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो आपका कितना आ गया बच्चों, 25/2, कितना आ गया 25/2। जब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5%, कितना आ जाएगा बच्चों, 12.5%। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन है 12.5%, सेकेंड ऑप्शन है 25%, थर्ड ऑप्शन है 50%, फोर्थ ऑप्शन है 125%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर क्या आया है, 12.5%, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अपने सेशन में आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं, इजी और सिंपल दोनों। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखते होंगे, और जो भी ना समझ में आए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको समझाने का पुनः प्रयास करेंगे। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 व्यक्ति एक कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 50 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, m1 d1 upon w1 = m2 d2 upon w2। तो देखिए यहाँ पे m1 का मतलब आदमी है, d1 का मतलब दिन है, और w1 का मतलब क्या है बच्चों, कार्य। देखिए m का मतलब मैन, d का मतलब डे या फिर दिन, और W का मतलब वर्क, क्या है बच्चों, वर्क। तो देखिए यहाँ पे पहले कितने आदमी थे, 15 आदमी थे, यमन कितना दिया गया हमें 15, कितने दिन ले रहे थे वो आदमी, 10 दिन, कितने दिन ले रहे हैं 10 दिन, काम कोई एक है तो काम यहाँ पे हमें दिया नहीं है तो हम उसको रखेंगे नहीं, हमसे M2 पूछ रहा है, और दिन कितना है बच्चों, 50। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 15, तो आपका M2 कितना आ गया बच्चों, 3 व्यक्ति, यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है उस काम को 50 दिन में करने के लिए, 3 व्यक्तियों की हो सकता है। कितने व्यक्ति की हो सकता है बच्चों, 3 व्यक्ति की, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिएगा, देखिए कैसे 1 मिनट के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन आपका इतना बड़ा था लेकिन आंसर आपका 1 लाइन में आ सकता था। तो आप, मैं जो भी फॉर्मूले बताती हूँ उसको आप नोट जरूर कर लिया करिए। तो चलिए आपके इस सेशन के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंकों 0.9 तथा 6 से बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए हमसे, हमको किसका किसका प्रयोग करके बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनानी है, 0, 9 और 6। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 960, क्या हो जाएगी बच्चों, 960, और छोटी संख्या, छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 609, क्या हो जाएगी बच्चों, 609। इसका हमसे क्या पूछा है, गुणनफल, तो गुणनफल बराबर 960 × 609, क्या हो जाएगा बच्चों, 960 × 609। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 58, 46
40, कितना आ जाएगा बच्चों 58, 46, 40। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है 99.900, सेकंड ऑप्शन है 5.84, 640, थर्ड ऑप्शन है 66.240 और आपका फोर्थ ऑप्शन है 8.69.760। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमने आप आज के सेशन में आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं और आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाले गए रोज़ नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ। थैंक यू।